भाई अरमान मलिक में ऐसी खासियत क्या है कि मतलब 5-6 दिन में लड़की सेट कर ली शादी के लिए पायल के साथ? ये, भी सेम सेम जी बिल्कुल, सेवन डेज पायल, सॉरी सिक्स सेवन डेज पायल, सिक्स सेवन डेज मी, सेम स्टोरी, सेम एवरीथिंग इज सेम। लौंडे महीनों लगे रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता। अभी तो इसका जवाब तो अरमान जी देंगे, इसका जवाब अरमान जी देंगे कि उन्होंने हमें 6 दिन के अंदर, अरमान जी तो वो मुझे देख के हंस रहे हैं, लेकिन देख के हंस रहे हैं एज अ गर्ल, एज अ वुमन। नहीं एक्चुअली मैं मुझे क्या अच्छा लगा, उन्होंने आपको इम्प्रेस किया होगा या कुछ तो ऐसा किया होगा कि आप 5-6 दिन में जो मुझे जो मेरे, मैंने फील किया जिस चीज को मैंने देख के मैं इनके पास आ गई 6 दिन में, वो एक था इनका बहुत ही फनी नेचर था उस टाइम, बहुत ज्यादा हंसाते थे। दूसरा इनकी स्माइल, इनकी स्माइल पे मेरे हिसाब से लड़कियां मरती हैं, ठीक है, और इनका बहुत ही काइंड नेचर, ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। आप लेकिन क्योंकि आपके साथ सिचुएशन अलग जी, मेरे साथ बिल्कुल साथ सिचुएशन बहुत अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एग्री करी, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके दिल को कुछ तो। देखो क्या होता है कि ना, आपको कोई इंसान ना पसंद आ जाता है पहली नजर में भी, कभी कभी जो रिश्ता होता है ना वो 4 साल तक चलता है बट वो रिश्ता निपटा नहीं है, बट कभी कभी आपको 2 दिन हुए होते हैं और आपको वो इंसान बहुत पसंद आता है। तो मैं अरमान जी से जब मिली थी ना, तो मुझे नहीं पता, मतलब एक होता है ना सीधा दिल पे वार करना, तो वही वाली चीज हो गई थी, और जो उनके साथ जो मेरी बातचीत थी, इनके साथ जो फीलिंग्स थी, वो सीधा मेरे दिल पे लगी। और ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कोई चीज नहीं देखी, ना मैंने समाज के बारे में सोचा, मैंने ना माँ बाप के बारे में सोचा, बस मैंने उनसे शादी करी। और ये बात बिल्कुल रियल है, जब मैं उनसे शादी करने के लिए गई थी, हम कोर्ट मैरिज कर रहे थे, तो इन्होंने बोला तू चल घर से, तो 6 अगस्त था उस दिन, 3 बज रहे थे, तो 3 बजे के करीब जब मैं इनके साथ गई, तो बस मैंने उनसे यही बात बोली थी कि आपके साथ मैं शादी कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कभी साथ मत छोड़ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, तो बस वो जो बात है ना वो अभी तक निभा रहे हैं, तो बस एक यही बात थी।